वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मैं हूं सुभजीत ठाकुरा। आप सभी स्टूडेंट हमें जानते हैं, जो भी स्टूडेंट हमें नहीं जानते हैं आज का वीडियो पूरा देखिए, आप सभी को पता लग जाएगा। आज मैं आप लोगों का साथ मेरा लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक स्टूडेंट से BA RC का एम्प्लॉय बनने तक का सफर, और मैं अपना BA RC का अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको कुछ कुछ स्टूडेंट कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर, कुछ स्टूडेंट कहते हैं ऑफर लेटर, वो आप लोगों का साथ मैं शेयर करूंगा। और हमें कितना मार्क्स मिला था BA RC का एम्प्लॉय बनने का, BA RC का सिलेक्शन प्रोसेस में अनडिजर्व में एक रैंक लाने का, तो कितना मार्क्स हमें मिला था वो आज ऑफिशियल अपडेट का साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले जो बताया था मैं अप्रोक्स आपको बताया था, अंदाज में बताया था कि इतना मैं क्वेश्चन करेक्ट करके आया था, इतना क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आया था। सबसे पहले मैं आज BA RC का अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को शो करूंगा। ये आप देख सकते हैं ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। इसका बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वर्क फैसिलिटीज कल्पक्कम 603102। मेरा सिलेक्शन हुआ था BA RC कल्पक्कम न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड NRB में। तो सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगा। इससे तो पहले मैं बहुत बार खोल चुका हूं, लेकिन आप लोगों का साथ मैं पहला बार इसको शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर इसको खोलते हैं तो एक पोस्ट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। एक पोस्ट कार्ड है जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा BA RC का एड्रेस, और उल्टा साइड में आपको देखने को मिल जाएगा मेरा एड्रेस। इसका बाद मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर को निकालता हूं। आप देख सकते हैं ये मेरा ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर है। अगर आप लोग देखें तो ये मेरा रेफरेंस नंबर है। इसका बाद या जिसको बोलते हैं ऑर्डर ID, उसका बाद अगर नीचे आते हैं तो श्री सुभजीत ठाकुरा विलेज हाउस ग्राम पोस्ट हाउस ग्राम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल 713152। डियर सुभजीत ठाकुरा, ऑफर ऑफ ट्रेनिंग अंडर स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग स्कीम कैट टू इन NRB कल्पक्कम। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कैटेगरी टू स्टूडेंट के लिए क्या होता है, आप लोग का ट्रेनिंग होता है। कैटेगरी वन के लिए भी ट्रेनिंग होता है जिसमें आप लोग को स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में, जिसको स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कहते हैं। और 2 साल बाद आप लोग का ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस का ऊपर डिपेंड करता है आप लोग टेक्नीशियन B बनेंगे या C बनेंगे। तो ऑफर लेटर में क्या क्या है ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम 5 जून 2022 होने वाला है। आप लोगों को भी देख लेना चाहिए, इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि कितना अच्छा जॉब हमें मिला था। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कॉन्सिक्वेंट ऑफ योर सिलेक्शन यू आर ऑफर्ड एडमिशन एज स्टाइपेंडेड ट्रेनी कैटेगरी 2 फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन BA RC कल्पक्कम विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF 27 जनवरी 2020। मेरा ज्वाइनिंग डेट था। ये मंथली स्टाइपेंड ऑफ 10,500 और सेकेंड ईयर में 12,500। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग विल बी नॉर्मली ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल का ट्रेनिंग होता है। इसका बाद इस ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या, थोड़ा सा मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूं। इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि 3,000 रुपीज का आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा एज डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में आप लोगों को 3,000 रुपया कट के BA RC का नाम में जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी का हिसाब से। और आप लोगों को ट्रेनिंग में ज्वाइन होने के लिए 276,000 रुपया का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा एक गेजेटेड ऑफिसर से। इसका बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं तो इसमें आपको बताया जाता है 7 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म और 5 सेट ऑफ SSQ स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनरी फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। और इसमें आपको बताया जाता है अगर आप लोग कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसको भी आप लोग पार्सुइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको BA RC को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते तो उस कोर्स को आप लोग पार्सुइंग नहीं कर सकते हैं। इसका बाद अगर आप लोग उल्टा साइड में आते हैं तो आपको बताया जाता है कि ग्रेड इनिशियल पे और लेवल ऑफ पे इन द पे मैट्रिक्स। अगर टेक्नीशियन B में सिलेक्शन होता है, मतलब अगर आप लोगों का मार्क्स कम आता है ट्रेनिंग पीरियड में, तो टेक्नीशियन B आप लोगों को मिलेगा, लेकिन जॉब आप लोगों को मिलेगा पक्का। 21,700 रुपीज आप लोगों को बेसिक पे रहेगा और लेवल 3 रहेगा। और अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस 90% से अबव रहेगा, जो आप लोगों का फील्ड ट्रेनिंग होगा मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, उसमें अगर 90% से ज्यादा मार्क्स है तो टेक्नीशियन C मिलेगा, जिसका बेसिक रहेगा 25,500 लेवल 4 में आप लोगों को सैलरी मिलेगा। तो इसमें यही आपको बताया जा रहा है। कोई भी स्टूडेंट अगर BSc डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसको
परसुइंग करने के लिए, फिर से करने के लिए 6 साल का, बीटेक या बीटेक को कंटिन्यू करने के लिए 8 साल, और एमटेक पीएचडी करने के लिए 10 साल। आप लोग 10 साल में कंप्लीट कर सकते हैं बीआरसी का यूनिवर्सिटी से जो मुंबई में है। तो ये था ज्वाइनिंग लेटर। तो अभी हम आपको बताएंगे हमें कितना मार्क्स मिला था ऑफिशियल अपडेट का साथ, क्योंकि मैं इससे पहले जब वीडियो बनाया था हाउ टू क्रैक बीएआरसी एग्जाम, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि मैं एडवांस एग्जाम में 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेकिन हमें कितना मिला था वो आपको बताया नहीं है। और ये भी मैं बताया था एक क्वेश्चन हमें शायद लगा कि गलत हो गया है, तो मैं सही बोला था। आप देख सकते हैं मैं बीएआरसी में आरटीआई किया था, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में मैं टोटल 43 अटेम्प्ट किया था, और 43 में से हमें मिला था 109 मार्क्स, जो हम लोगों को मिलना चाहिए था 60 मार्क्स अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, तो 109 मार्क्स हमें मिला था। और एडवांस एग्जाम में आप देख सकते हो 146, एक क्वेश्चन गलत हुआ था, 3 मार्क्स डिडक्ट हुआ एक क्वेश्चन के लिए, और एक नेगेटिव मार्किंग था, इसीलिए टोटल 4 मार्क्स इसमें डिडक्ट हो गया था। तो आप समझ सकते कितना ज्यादा कंपटीशन होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोगों का टाइम कितना सीट था। टोटल हम लोगों का टाइम टोटल 12 सीट था, 6 अनडिजर्व कैटेगरी में, 3 था ईडब्ल्यूएस में और 3 था ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में जो 3 सीट था वो खाली गया था, क्योंकि हाल ही में ईडब्ल्यूएस का एक्ट वो लागू हुआ था, तब ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट नहीं था। तो टोटल 9 सीट था, 9 एक्टिवेट सीट था, जिसमें से अगर बात करते प्रिलिमिनरी एग्जाम बीएआरसी एनआरबी का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो मेरा हिसाब से बहुत ही ज्यादा टफ होता है, क्योंकि मेरा टाइम में अगर बात करते 2019 साल में प्रिलिमिनरी एग्जाम में हार्डली 35 से 40 स्टूडेंट पास किया था, बाकी स्टूडेंट सब फेल हो गया था, और अकेला मैं एक ही जनरल स्टूडेंट था प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास किया। उसका बाद सेकेंड स्टेज हुआ, सेकेंड स्टेज बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, इस बार भी आप लोग का सेकेंड स्टेज का क्वेश्चन बहुत आसान आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप देख सकते हैं एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा हाउ टू क्रैक बीएआरसी एग्जाम, यूट्यूब में अगर आप लोग सर्च करते हैं तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। कौन सा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, सब मैं बता दिया हूं हर ट्रेड के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका मुताबिक अगर आप लोग ट्राई करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यही मैं बताऊंगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रिलिमिनरी एग्जाम आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। जितना भी ज्यादा आप लोग एडवांस एग्जाम पढ़ के जाएंगे ना, तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। और इसके लिए मैं अलग से 2 प्लेलिस्ट मेरा यूट्यूब चैनल पर बनाया हूं, आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो डीएई एडवांस स्पेशल और डीएई प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें 30 से ज्यादा वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं, बीआरसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम का ईच एंड एवरी वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें आपको बीआरसी का पीबीएसईआर एनआरबी का पीबीएसईआर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनएफसी सभी का, जिसका एग्जामिनेशन पैटर्न मैच होता है, सभी का पीबीएसईआर क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। और एडवांस एग्जाम में अगर बात करते हैं तो फिटर टर्नर मशीन स्टूडेंट एडवांस एग्जाम का प्लेलिस्ट आप लोग अच्छा से देख के जाइए, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जस्ट आप लोग को मेहनत करना है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। मेरा जब नोटिफिकेशन आया था 8 जुलाई 2019 में नोटिफिकेशन आया था, और एक महीना इसका फॉर्म फिलअप चला था, तो 7 अगस्त 2019 इसका फॉर्म फिलअप खत्म हो गया था, और इसका सितंबर में 29 सितंबर 2019 में मेरा रिटन टेस्ट था, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज हो गया था, और विद इन 5 to 6 मंथ हम लोग को ज्वाइनिंग भी मिल गया था, सभी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग बीआरसी का मेडिकल टेस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, मेडिकल का बाद आप लोगों को क्या क्या प्रोसीजर होता है वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैं अच्छा से आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। और इसका बाद हमें जनवरी में ज्वाइनिंग मिल गया था। तो यही था मेरा सफर, और मैं बहुत ज्यादा कोशिश किया था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 43 अटेम्प्ट करके आया था, जिसमें से मेरे को 106 मिला है, मतलब 35 से ज्यादा मैं राइट क्वेश्चन किया था। उसका बाद मैं नेगेटिव का बारे में, नेगेटिव हुआ तो डिडक्ट हो गया कुछ मार्क्स, और एडवांस में 50 में से 50 किया था, एक गलत आंसर हुआ था, इसीलिए 146 मिला। तो आप लोगों का इस बार सीट संख्या बहुत ज्यादा 66 है मेरा हिसाब से, तो बहुत ज्यादा है। तो इसको अगर आप लोग अच्छा से ट्राई करेंगे, जस्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम को अच्छे से पढ़ना है, एडवांस एग्जाम में आप लोगों को लेकिन
150 में से 150 करके आना पड़ेगा। जितना मेरा हिसाब से जितना आप लोग राइट आंसर देते उतना ही करके आए, उससे ज्यादा आप लोग मत कीजिए, क्योंकि गलत आंसर करने से आप लोगों को डिडक्ट भी होते जाएगा। तो अनडिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन लेने के लिए एटलीस्ट मेरा हिसाब से 140 से ज्यादा आप लोगों को मार्क्स लाना पड़ेगा, उसके बाद तो बाकी ट्रेड का होता है। तो अच्छा से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम व्हिच विल बी कंडक्टेड ऑन 5 जून 2022। इसके बाद मैं आगे आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।